अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय डेली व्लॉग। सो गाइस, अब सब बोलते हैं बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, तुम बच्चों का कोई काम नहीं करती। तो अभी मैं कर रही हूँ रूहान को तैयार, क्योंकि कराची में हवा चल चुकी है कोयटा की, तो मैंने इसको कोयटा वाला ही बना दिया है। इसको मैं तैयार कर रही हूँ, बट ये तैयार होने में इतना तंग करता है, मतलब मुझे मेरी नानी परदानी सब कुछ याद आ जाती है, मुझे हाथ नहीं चढ़ता है, बहुत मुश्किल लगती है। थोड़ी सी ये तैयार हो गया, आधा तैयार हो गया। वहाँ पर इसका भाई तोड़म ताड़ी कर रहा है और घर में काम भी हो रहा है, और ये देखें और मैं भी कुत्ती की टांग के साथ शूट भी कर रहा हूँ। हाँ, शूट कर रहे हो, व्लॉग भी बना रहे हो मेरा, वही ना। और तुम्हारा झाड़ू देखो वो पड़ी, क्या करूँ यार मैं, इसको रेडी करने के बाद मिलती हूँ। तो रोहान कर रहे हैं परवीन की हेल्प सफाई में, ये रोज़ ऐसे ही होता है हमारे घर में। जब रोहान गया हुआ था तो अब रोहान आ गया है तो ये सफाई भी करवाता है। रोहान चलो बाहर, ये देखें पूरे घर की सफाइयां करेगा रोहान। और इसी के साथ साथ सुबह हो गई है हमारी शुरू, ठीक है, दोपहर हो गई है इस वक्त तो। और अब्दुल रहमान और अली रहमान का तो एक ही काम है टॉयस का। अब्दुल रहमान क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ बताओ ना, बताओ। टॉय स्टूडियो पिंक ड्रॉप साइलेंट चल तो रहा है ये। वाह, कितना प्यारा टॉयज है, बेहतरीन। उसका टॉयस जुड़ गया, वो उसका टॉयस तोड़ने के लिए आ रहा है। और मेरा रूम साफ हो गया, बस डस्टिंग वगैरह रहती है, सफाई हो चुकी है। और ये है मेरा रूम, सब बोलते हैं रूम 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 दिखा दें, तो ये है मेरा छोटा सा रूम। ये है जी बेडरूम, और बच्चा बाहर निकल गया है, अम्मी के लिए बच्चा बाहर निकल गया। बच्चों को संभालना ना लाइक बहुत मुश्किल काम होता है, जो माएँ हैं ना वो ये बात समझेंगी। और मैं ये सब कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों को एंटरटेन करती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, अपना घर देखती हूँ, अपने बच्चे देखती हूँ, बट फिर भी यार आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते। और नेगेटिविटी हटाएं यार, पॉजिटिव वाइब्स लाएं, अच्छा सोचें, अच्छा करें, बुरा सोच सोच के तो इतनी बुरी दुनिया हो गई है यार, अच्छा करें, अच्छा सोचें। तो अब्दुल रहमान क्या कर रहा है मैं दिखाऊं, अपनी पैंट को एडजस्ट कर रहा है अभी, तो ठीक है जी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है, क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मुझे मार्केट भी जाना है कुछ सामान लेने, तो बाहर मिलते हैं। तो गाइस निकले हैं कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि अली की तो अभी तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो बाहर आ नहीं सकता। तो बच्चों का कुछ सामान लेना था लाइक सीरियल्स वगैरह, तो मैंने सोचा चलो बाहर जाऊँ कुछ सामान लूँ, तो आप लोगों के साथ भी थोड़ी बातचीत करूँ। तो जो वुमेन्स होती हैं, क्या बोलेंगे यार, हाउसवाइफ्स जो होती हैं, जो कहती हैं हम घर का काम ही करते हैं बाहर का काम नहीं करते, तो अपने शोहरों के साथ हाथ बटाया करें, उनके जैसे थोड़े बहुत बाहर के काम होते हैं, तो कुछ नहीं जाता यार बाहर से, आप लोग जाके ग्रॉसरी वगैरह कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ, और ये अच्छी बात होती है, आप हेल्प करें। और आपके साथ अगर हेल्प के लिए कोई ना हो, ड्राइवर ना हो आपके पास, मतलब आपके घर में भी ड्राइवर मौजूद होते हैं, हमारे घर में भी ड्राइवर मौजूद है, और इस ड्राइवर ने फौरन से मास्क लगा लिया, इसको पता था कि इसका चेहरा रिवील होने वाला है, इसलिए इसे मास्क लगा लिया। अब जिसको जानते होंगे ना वो मेरे व्लॉग में इसका नाम ज़रूर लिखेंगे कि ये क्या कहाँ की शनाख्त कर रहा है लड़का। तो अभी रश फुल फाल हो रहा है भाई, और ड्राइवर को गाड़ी चलानी आ नहीं रही है, तो बस ये जगह ढूंढ रहा है कि हम कहाँ से निकलें, कहाँ से जाएँ। तो अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, सामान लेकर जाते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, सामान लेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे। अंकल भी हमें ज़रा देख रहे थे, थोड़ा सा लुक कर रहे थे, और सर्दी कराची में हो गई है, कोयटा की हवा चल चुकी है, तो
तो इसीलिए हमने चादर चादर निकाल के जरा देखे यार सर्दी का क्या माहौल चल रहा है। और बाइक वाले को देखे आप जरा कैसे मावा मंडे दवा आ रहा है, मजा आ रहा है इसके। तो बस यही वाली कहानी है। तो इसी के साथ साथ ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, इन्जॉय करें लाइफ को जैसे कि हम करते हैं। लाइफ को इन्जॉय हर पल, हर 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 एवरी सिंगल मोमेंट इन्जॉय यार। खुशी गम सबके साथ चलता है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है एवरीथिंग। तो अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं देखते हैं क्या होता है, बच्चों का सामान का क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। तो जी इस वक्त हम आ गए हैं दबागो पे सामान लेने के लिए। अब सामान जाएंगे अंदर से सामान लेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। वॉच टेन लेने आओ कभी भी। तो मैं बोलती हूँ कि दबागो आओ मत, कहीं और चले जाओ। अब कहीं और जाते हैं जहाँ से हमें पूरा का पूरा सामान मिले। बाबा अब बैठ रहे हैं गाड़ी में, अब उस जगह लेके चलो जहाँ से सारा सामान मिले, क्योंकि जगह जगह नहीं घूम सकते, ठंड बहुत है। कराची वालों को ऐसी बहुत ठंड लगती है। हम वहाँ जाएंगे जहाँ से पूरा सामान मिलेगा। Oh my God! तो अब हम आ गए हैं माशाल्लाह पे और अब हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं सारा सामान इकट्ठा एक साथ मिलता है या नहीं। लेट्स सी। तो सामान ले लें फिर उसके बाद मिलते हैं। सो फाइनली सामान वामान ले आए, ठीक है। बाहर का सामान लेकर आ गए और आज बहुत तेज़ हवा भी है और मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, वीक में एक व्लॉग बनाऊँगी। बिकॉज अभी अली की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे घर के भी बहुत सारे काम देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, ये बड़े बच्चे को भी देखना होता है, तो इसलिए डेली व्लॉग नहीं करूँगी, वीक में एक बार करूँगी। जब तक के लिए आप इसकी टांग के लिए दुआ करें। अच्छा हम नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपनी लेग के बारे में बताऊंगा, तो मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि ये प्लास्टर का कैसा है। वैसे आज इतना ज़रूर बोलूंगा कि प्लास्टर अगर आप लोग करवाएं ना, खुदा ना खास्ता लड़ना करें पहले तो किसी के साथ हो, अगर हो ना तो प्लास्टिक जैसे ये हम मैंने चढ़ाया हुआ ना प्लास्टर फाइबर, तो ये वाला जो ना आप लोग चढ़ाएं ये अच्छा है प्लास्टिक फाइबर प्लास्टर। वो जो एक वो पुराना प्लास्टर होता है वो मत चढ़वाइएगा वरना आपकी टांग मूव नहीं होती। हाँ अब ये देखिए माशाल्लाह मैं टांग अपनी मूव इजीली कर लेता हूँ, ये इतना भारी प्लास्टर नहीं है। तो ओ मेरा चूजा भी आ गया, चूजे 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 चूजे, ये रहा मेरा बेटा जो आप लोग बोलते हैं ना। हम इसको इसलिए कम बुलाते हैं रूम में कि ये बहुत शरारती है, ये कोई भी चीज आके मारता है। तो इसी के साथ साथ अपना बहुत ज्यादा ख्याल, मुंह से देखो निकला ढक्कन, देख रही हो ये कभी भी नहीं करते। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।